फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या लेसन 42, जहां पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। बट फ्रेंड्स, इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो माइंड कीजिएगा, ऐसा कोई भी काम जो चालू तो हो चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, वही सारे सेंटेंस हमारे कहां के कहलाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। जैसे सोचिए, अगर मैंने आपसे कहा होता कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यानी अंग्रेजी पढ़ाने का काम मैंने 10 साल पहले चालू किया और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि मैंने आपसे कहा कि वह 2 घंटों से रो रही है, यानी 2 घंटे पहले उसने रोना चालू किया और अभी भी वो रो ही रही है, तो ऐसा काम जो चालू हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ, वही कहलाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या इसकी पहचान की। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने पहचान लिखी है, क्या से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या फिर ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं। माइंड कीजिए, ये जो से शब्द है ना, ये समय के साथ जुड़कर रहेगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि वह सुबह से खेल रहे हैं, वह 2 दिनों से खेल रहे हैं, मैं 3 महीनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, वह 4 घंटों से यहाँ बैठा है, तो सेंटेंस में रहा है लिख के आ जाए, ना लिख के आए, आपको सेंस को पकड़ के चलना है कि काम चालू हो चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जांपल और देखिएगा। मैंने लिखा यहाँ पर कि मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। इस सेंटेंस को समझिए कि जो वर्ब थी ना, ये वर्ब इसके साथ क्या जुड़ के आएगा? ता रहा है। और जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि वर्ब के साथ ता जुड़ के आ जाए और रहा है अलग से लिख के आ जाए, वो सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। इस प्रकार के सेंटेंस में समय तो लिख के नहीं आता, बट इसका जो सेंस है ना, ये वही है कि जब कभी मैंने ऐसा काम चालू किया तो उस काम को मैंने बंद नहीं किया, आज भी मैं उस काम को कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये था कि इसकी 2 पहचान होगी, एक तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, और दूसरी पहचान हमारी क्या हो जाएगी? ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं। तो पहली बात तो यही थी कि आपको सेंटेंस को पहचानना होगा कि आखिर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या फिर नहीं, इसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें ये देखना है ये जो से शब्द लिख के आ रहा है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, लेसन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमें सिंस और फॉर कैसे यूज करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, ये जो से था ना, जो कि समय के साथ जुड़ के आ रहा था, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होंगी। या तो हम उसके लिए सिंस लगाएंगे, या फिर इसी से की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा? फॉर का यूज करना होगा। अब ऐसा कैसे करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारा जो समय है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा हमारा क्या होने वाला है? पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होगा क्या? समय का एक निश्चित बिंदु, यानी एक ऐसा समय जो कि निश्चित समय कहलाता है, उसके साथ से शब्द जुड़कर आने पर इसकी अंग्रेजी हमें बनानी होगी क्या? सिंस से। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है क्या? समय की एक अवधि। जैसे ही बात अवध की हो जाए, आपको एक ऐसा सेंस आ रहा है कि आप एक ड्यूरेशन की बात करने जा रहे हैं, उस कंडीशन में उस समय के साथ से जुड़कर आने पर उसकी अंग्रेजी हमें किससे बनानी होगी? फॉर से। अब फ्रेंड देखो, आप ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या? सुबह से, कल से, 7 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, सन 2005 से, बचपन से, जन्म से, गर्मी से, या फिर पिछली रात से। माइंड आपको ये करना है कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 बजे से, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 बजे से लिख के आएगा तो आप सेंस लगाओगे, और 8 बजे या 9 बजे से लिख के आ जाएगा तो आपको फॉर का यूज करना है। नहीं, अगर मैंने आपसे कह दिया बजे से, तो चाहे जितने बजे लिख के आ जाए, आपको वहां पर सेंस का ही यूज करना होगा। अगर मैंने आपसे कहा सोमवार से, तो चाहे कोई भी वार हो, बुधवार हो, मंगलवार हो, या फिर रविवार हो, सभी जगह उससे की अंग्रेजी बनाने के लिए आपको सेंस का ही यूज करना होगा। अब बात करते हैं क्या इसकी अंग्रेजी बनेगी कैसे। तो आप देखो क्या लिखा है, सुबह से, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? सेंस मॉर्निंग। कल से, सेंस स्टैटिक। 7 बजे से, सिंस 7 o'clock। सोमवार से, सिंस मंडे। जनवरी से, सिंस जनवरी। सन 2005 से, तो सिंस 2005। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। जन्म से, सिंस बर्थ। गर्मी से, सिंस समर। पिछली रात से, सिंस लास्ट नाइट। आपको मैं यहाँ पर ये करना है कि जो पिछली है ना, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट बोलते हैं। और इस लास्ट के बाद अगर कोई नंबर ना आए, बस रात आ जाए, ईयर लिख के आ जाए, वीक लिख के आ जाए, मंथ लिख के आ जाए, कुछ भी लिख के आ जाए, तो इस लास्ट के पहले मुझे क्या जोड़ देना होगा? सिंस, SINCE। तो सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, कुछ भी यहाँ पर आ जाए, बट माइंड कीजिएगा लास्ट के ठीक बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए। इसको आगे और समझते हैं।
अब फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, समय की एक अवधि। अब ये अवधि कहाँ शुरू होगी, सेकंड से। अब यहाँ पर लिखा है क्या, सेकंड से, मिनट से, घंटे से, दिन से, सप्ताह से, महीने से, वर्ष से, बहुत समय से, या फिर पिछली दो रातों से। यहाँ पर माइंड कीजिए कि पिछले शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है और यहाँ पर भी मैंने पिछले शब्द का यूज किया है। अंतर वही था कि अगर इस लास्ट के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट के पहले क्या यूज करना है, सिंस। लेकिन अगर इस लास्ट के बाद कोई नंबर आ जाए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि पिछले दो दिनों से, तो मुझे क्या लिखना होगा, लास्ट टू डेज। और वो जो से था ना, पिछले दो दिनों से, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, फॉर का यूज करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि लास्ट के बाद अगर कोई नंबर नहीं आया, डे, ईयर या मंथ लिख के आ जाए, वीक लिख के आ जाए, तो लास्ट के पहले आपको सिंस का यूज करना है। लेकिन अगर लास्ट के बाद कोई नंबर लिख के आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, चाहे जितने नंबर आ जाए, आपको लास्ट के पहले क्या यूज करना होगा, फॉर का यूज करना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर आपको माइंड ये करनी है कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया मिनट से, कि एक मिनट से, अगर 10 मिनटों से लिख के आ जाए तो भी आपको फॉर का यूज करना है। अब यहाँ पर सेकंड चाहे एक हो और चाहे 1000 सेकंडों से बात की जा रही हो, अगर मैंने आपसे कहा 2 घंटों से तो भी फॉर, 100 घंटों से तो भी हमें फॉर का ही यूज करना होगा। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप बहुत समय से, जिसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, फॉर लॉन्ग टाइम। और पिछली दो रातों से, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, फॉर लास्ट टू नाइट्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें सिंस और फॉर का यूज समय के अकॉर्डिंग करना होगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है तो आपको सिंस लगाना होगा, बात अगर ड्यूरेशन की हो जाए, पीरियड ऑफ टाइम की हो जाए, तो उन सारी कंडीशन में आपको फॉर का यूज करना होगा। इसको याद रखने का एक तरीका और है कि आप समय को छोटे से बड़ा करते जाइए, जैसे क्या, सेकंड, फिर क्या आएगा बताओ, मिनट, मिनट के बाद क्या, आर, आर के बाद क्या आएगा, डे, डे के बाद क्या आएगा, वीक, वीक के बाद क्या आएगा, मंथ, और मंथ के बाद क्या आएगा, ईयर। यहाँ पर एक बात को और माइंड कीजिएगा, वर्ष से लिखा है, अब चाहे वो 2 वर्ष से हो, बहुत वर्षों से हो, या फिर कई वर्षों से हो, हर एक कंडीशन में ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा और इसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, फॉर का ही यूज करना होगा। अब फ्रेंड्स लेसन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में हमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल भी लिख के रखा हुआ है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ के बताइए और बताइए क्या ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। बिल्कुल ना, क्योंकि उसने सुबह क्रिकेट खेलने का काम चालू किया और अभी भी वो क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब काम चालू हो चुका है और अभी तक खत्म नहीं हुआ। और ऐसे सारे सेंटेंस जहां पर काम चालू हो चुका है, खत्म नहीं हुआ, वो सारे सेंटेंस हमारे कहां से बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर इसी सेंटेंस की बात की गई होती तो ये सेंटेंस हमारा बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट वन को यूज करना होता। तो सबसे पहले हमें रखना क्या है, सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर कौन हो गया, ही, यानी यहाँ पर वह लिख गया तो उसके लिए हमने ही को ऐड कर दिया। और ही के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाई जाती है, हैज। फिर यहाँ पर क्या रखना होगा हमें बताइए, बीन, तो बीन को भी ऐड कर दीजिए। मेन वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, खेलना, और खेलना के लिए क्या लिखते हैं, प्ले। लेकिन आपको माइंड करना है कि आपको प्ले नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आपको प्लेइंग लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन था, क्रिकेट, तो इसको भी ऐड कर दीजिए। अब हमें यहाँ पर सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक को यूज करना है, तो हमारा जो समय था वो क्या था, सुबह से, जो कि क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो अंग्रेजी क्या बनेगी, सिंस मॉर्निंग। तो आप ध्यान से देखो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कि आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, तो हिंदी क्या होगी, कि मैं सुबह से नाच रहा हूं। पापा हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, तो हिंदी क्या हो जाएगी, पापा 2 घंटों से खाना बना रहे हैं। तो आपको सिंस और फॉर का यूज अकॉर्डिंग टू टाइम ही करना होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होने पर सिंस और पीरियड ऑफ टाइम होने पर फॉर का यूज करना होगा। अगर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को निगेटिव कर दिया जाए और मैं आपसे कहता कि वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा कहां से बनता, सेकंड वन से बनता। यानी हमें अब क्या करना होता है, यहाँ पर नॉट को ऐड करना है, और नॉट हमें कहां पर ऐड करना होगा, हैज हैव के ठीक बाद। यानी कहने का मतलब ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो रखना ही था, जो कि हमारा क्या हो गया, ही के बाद क्या आएगा, हैज, और फिर क्या लगाना होगा, नॉट। आप चाहो तो इस नॉट को हैजंट कर दो, यानी हैज के साथ शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हो। तो अगर मैंने आपसे कहा ही हैजंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो हिंदी क्या होगी, कि वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है।
और फ्रेंड्स अगर मैंने इसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से की होती और मैं आपसे कह था कि क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो सेंटेंस तुम्हारा इंट्रोगेटिव हो गया। ध्यान दीजिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या से, और बीच में क्या लिख किया गया, नहीं, और ऐसी कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है वो कहाँ से बनने वाला है, फोर्थ वन से। इसको बनाने के दो तरीके होंगे। एक तरीका ये कि आप हैज को क्या करो, पहले रखो सब्जेक्ट के ठीक पहले और नॉट को सब्जेक्ट के ठीक बाद। तो सेंटेंस देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। लेकिन अगर बात स्पीकिंग की हो तो आप इस नॉट को इस हैजिंग के साथ शॉर्ट करके भी बोल सकते हो, बट ऐसा काम आपको स्पीकिंग करते समय करना है। बात ग्रामर की होगी तो नॉट को आपको सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है। और फ्रेंड्स अगर इस सेंटेंस में मैं नहीं को मिटा दूं तो ये सेंटेंस हमारा कहां से बनता, थर्ड वन से। तो सबसे पहले क्या रखना होता हमें, हैज, तो हैज को ऐड कर दीजिए, बन गया आपका सेंटेंस फिर से कि हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। एक WS का एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा कहां से बनता, WS यानी स्ट्रक्चर नंबर फिफ्थ वन से बनता। और सबसे पहले हमें क्या रखना होता, WH वर्ड, जो कि यहां पर कौन हो गया, क्यों, और क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई। इस वाई के ठीक बाद हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी जो कि क्या होगी, हैज। फिर क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था हमारा, ही। सेंटेंस देखिए फिर से कंप्लीट हो चुका है कि why has he been playing cricket since morning, वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा है। और अगर मैं फिर से यहाँ पर has को hasn't कर दूं तो हिंदी क्या हो जाएगी, कि वह सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। और अगर ग्रामर की बात होती तो not को हमें सब्जेक्ट के ठीक बाद यानी यहाँ पर ऐड करना होता। अब फ्रेंड्स अगर बात प्रैक्टिस की कीज है तो आपको ढेर सारे सेंटेंस बोलने होंगे कि she has been dancing since morning, वह सुबह से नाच रही है, she has not been dancing since morning, या फिर she hasn't been dancing since morning, वह सुबह से नहीं नाच रही है, has she been dancing since morning, क्या वह सुबह से नाच रही है, hasn't she been dancing since morning, क्या वह सुबह से नहीं नाच रही है, why has she been dancing since morning, वह सुबह से क्यों नाच रही है, और why hasn't she been dancing since morning, वह सुबह से क्यों नहीं नाच रही है। I have been sitting here for 2 hours. माइंड कीजिए कि आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours, और हिंदी क्या निकलेगी कि मैं यहाँ 2 घंटों से बैठा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारे सेंटेंस बोलिए ताकि बोलते समय आप बिल्कुल भी हटके नहीं और सारे सेंटेंस बड़ी आसानी से निकल जाए। कब रखना होगा सेंस फॉर, ये सब कुछ ना सोचना पड़े, इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।